सो हाय गाइस, तन्मय द साइड फ्रॉम वेजीपाजी। और आज है संडे और मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का अच्छा सा, तो मैं जा रहा हूँ सब्वे। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बहुत बढ़िया एक वीडियो बनाए और आपको दिखाए कि अगर आप फर्स्ट टाइम सब्वे पे जा रहे हो या आपको नहीं समझ आता कि सब्वे पे क्या मंगवाए तो क्या मंगवाया जाए और कैसी टॉपिंग्स रखते हैं और क्या अलग अलग वेजीज लेते हैं। तो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो अभी तक लाइक नहीं है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि सब्वे में कैसे रहते हैं। तो काफ़ी लोगों को सब्वे पसंद नहीं है बिकॉज लोग जो बाहर के खाने के बारे में सोचते हैं वो सोचते हैं छोले भटूरे और छोले कुलचे, बिकॉज सब्वे फॉर देम इज़ लाइक थोड़ा सा जो फ्रेश सा खाना होता है और कच्ची कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं, ठंडा ठंडा खाना होता है, लाइक समथिंग यू विल गेट इन 24/7 जैसी जगहों पे। और काफ़ी लोग सब्वे जो है ना हेल्दी खाने के लिए खाते हैं, तो अगर आप सब्वे हेल्दी खाने के लिए खाते हो तो आप फिर उसमें सॉसेस मत डलवाओ, और अगर आप सॉसेस डलवाते हो तो आप उसको हेल्दी मत बोलो। तो मैं सब्वे टेस्ट के लिए खाता हूँ, मैं सब्वे फ्रेश वेजीज़ के लिए खाता हूँ। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पसंद तो आप सब्वे मत जाओ, बट अगर आपको ये चीज़ें पसंद है और आपको सैंडविचेस ट्राई करने पसंद है तो आई थिंक यू शुड एटलीस्ट वंस एक्सपीरियंस सब्वे। हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। और आज मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है और वो फर्स्ट टाइम सब्वे खाने वाली है, तो उसका एक्सपीरियंस नोट करेंगे। मैं जो सब्वे का रेगुलर ईटर हूँ, मैं सब्वे पर रेगुलरली खाते रहता हूँ, और मेरी फ्रेंड जो फर्स्ट टाइम सब्वे खा रही है, दोनों अलग अलग सब्स बनाएंगे। तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, जो बंदा फर्स्ट टाइम खा रहा है और जो मैं हूँ, मतलब मैं तो सब्वे का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, चलते हैं वीडियो के अंदर। मेरी ब्रेड हो मल्टीग्रेन हनी ऑट, एक मल्टीग्रेन हनी ऑट कर दो, एक रोस्टेड गार्लिक कर दो। तो बेसिकली आपके पास सब्वे में अलग अलग ब्रेड्स होती है, फ्रॉम इटालियन टू पार्मेजान ओरिगैनो टू हनी ओट। सबसे कॉमन ब्रेड होती है वो होती है मल्टीग्रेन ब्रेड, जो आपको हर स्टोर पे मिल जाती है देखने के लिए। और उसके बाद आता है आपके पास इटालियन ब्रेड्स। तो बेसिकली इटालियन ब्रेड में आपके जो इटालियन सीजनिंग्स होती है वो होता है। देन आपके पास आते हैं पार्मेजान ओरिगैनो। तो पार्मेजान ओरिगैनो में क्या होता है, इट्स सपोज टू बी पार्मेजान का फ्लेवर हो उसके अंदर थोड़ा सा, बट बिल्कुल भी नहीं होता। और ये जो स्पेशल फ्लेवर्ड वाली ब्रेड्स होती है ना, जैसे ये पार्मेजान ओरिगैनो होगी, हनी ओट्स होगी, रोस्टेड गार्लिक होगी, इन सब में बहुत सटल फ्लेवर्स होते हैं। और उसके बाद आप ब्रेड में जब सॉसेस डलवा लो और वेजीज डलवा लो और अपनी जो पैटी डलवा लो, तो उसके बाद फ्लेवर्स बिल्कुल भी इतने ज़्यादा नहीं आते। मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 2-3 तो ट्राई करो, अगर सारे नहीं कर सकते, सारे ट्राई करोगे तो आपको बहुत बढ़िया एक आइडिया हो जाएगा। बिकॉज ये आप 4-5 बार ट्राई करोगे उसके बाद आपको एक पता चल जाएगा। जैसे मैंने सारी ऑलमोस्ट ब्रेड्स ट्राई करी हुई हैं और अब मैं सिर्फ हनी ओट्स ही लेता हूँ, तो मेरा वो कॉमन है। ये ब्रेड्स जो होती हैं फ्रेश होती है, बट ये जो ब्रेड्स होती है ग्लूटेन फ्री नहीं होती, सब में ग्लूटेन होता है। जो लोग ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स देख रहे हैं सब वे पे नहीं मिलती। एक गार्लिक में सही आपका, एक मल्टीग्रेन, एक गार्लिक में एक मल्टीग्रेन। तो सिर्फ चीज़, टोस्टेड विद चीज़ दोनों। चीज़ का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। हम लोग कौन सा जिम के लिए खाते हैं, वेज और मैक्सिकन पैटी सब ऑफ द डे। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी ब्रेड चाहिए, उसके अंदर आपको चीज़ डलवाना है, टोस्टेड करवाना है कि नहीं करवाना है, उसके बाद आपको पैटी डिसाइड करनी होती है। और सबसे पहली जो पैटी होती है आपके पास वो रेगुलर आलू पैटी जो होती है, जो बर्गर्स में होती है। फिर आपके पास चना पैटी होती है, एंड देन आपके पास वही कॉर्न एंड पीस को मिक्स करके एक पैटी बना देते हैं। फिर हरा भरा कबाब होता है जो पालक से बनता है। देन मैक्सिकन पैटी होती है जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, राजमा से बनती है। जो पनीर टिक्का मुझे इतना नहीं पसंद, टेरियाकी पनीर टिक्का होता है। वेज सीख कबाब जो होते हैं आपके रेगुलर जो सीख कबाब होते हैं, वो इस सीख कबाब का शमी कबाब का एक वर्जन होता है। और यहाँ पे वेजी डिलाइट होता है जिसमें कोई पैटी नहीं होती, सिर्फ वेजिटेबल्स होती हैं। एंड देन लास्ट ऑप्शन होता है सारी अलग अलग पैटीज वेजीज को मिक्स करके एक उसकी पैटी बना देते हैं। आपको जो पसंद हो आप अपने हिसाब से वो पैटी ले सकते हैं, आपको जो फ्लेवर आप ढूंढ रहे हैं। और पैटीज में क्या होता है, सब ऑफ द डे का ऑप्शन होता है कि हर दिन एक अलग पैटी जो होती है वेजिटेरियन की अलग होती है, वो पैटी जो होती है आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती है। तो जैसे मैं संडे को गया था तो संडे को वेजिटेरियन सब ऑफ द डे होता है मैक्सिकन पैटी, और जैसे ट्यूसडेज को वेज सीख होता है जो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद, मतलब एटलीस्ट सब ऑफ द डे में। तो ये आपके पास अलग अलग पैटीज के ऑप्शन होते हैं। आई डोंट लाइक दिस, मेरे बना दो पहले आप। टोमेटोज डाल दो, हाँ कोकुमर एक्स्ट्रा डाल देना, थोड़ा ज़्यादा डाल देना, पिकल भी एक्स्ट्रा डाल देना, हाँ कैप्सिकम कम ही डालना, बस बस बस। ऑलिव्स भी थोड़ी सी डालना और थोड़ी सी डाल देना, हाँ अनियंस भी डाल दो, डाल दो थोड़े से और डाल दो, तो ऐसा। तो अब बात करते हैं सॉसेस की, और सॉसेस होती है सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप ब्रेड अगर
19-21 ब्रेड की भी कर लो तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप पैटी में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर लो तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वेजीज तो आपको पता ही है, द मोर द मेरियर, और जो आपको वेजीज नहीं पसंद वो आप डलवाओगे ही नहीं। पर सॉसेस होती हैं जो सबसे गड़बड़ करती हैं, क्योंकि सॉसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की सॉसेस होती है, एक होती है मेयो बेस्ड सॉसेस जो बहुत ही क्रीमी सा सब बनाती है, और एक होती है नॉन मेयो बेस्ड सॉसेस लाइक रेड चिली एंड बारबेक्यू सॉस। तो एक एक करके सॉसेस के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। अगर आपको नेक्स्ट टाइम सबवे जाना है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहले आती है हमारे पास रेड चिली सॉस, जो आपकी नॉर्मल जो घर में अवेलेबल होती है रेड चिली सॉस, जो स्पाइसी सॉस मोमोज वाली सॉस के साथ आप एक तरीके से उसको कंपेयर कर सकते हो। देन आती है आपके पास स्वीट अनियन सॉस, जो होती है थोड़ी सी स्वीट और थोड़ा सा उसमें अनियन का फ्लेवर होता है, तो स्वीट अनियन सॉस होती है वो भी थोड़ी सी। ये नॉन मेयो बेस्ड सॉसेज मैं बता रहा हूँ, पहले स्वीट अनियन सॉस, रेड चिली सॉस, देन बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस में आपका क्या होता है, जो आपको बारबेक्यू ग्रिल जो होता है उसका एकदम स्मोकी सा फ्लेवर आता है, और बेसिकली टोमेटो बेस्ड सॉस होती है उसके अंदर थोड़ा सा स्वीट उसको करके और उसको थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर देने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है आपकी बारबेक्यू सॉस। देन बात करते हैं मेयो बेस्ड सॉस की, जिससे एकदम क्रीमी सा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा फेक चीज़ टाइप सा फ्लेवर आता है, मेयो का बेसिकली फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले तो आपकी रेगुलर मेयो सॉस होती है, तो जिस उसके अंदर सिर्फ मेयो होता है। देन आपके पास होती है मिंट मेयो में, मतलब मिंट डिप और मेयो को मिक्स करके, तो वो थोड़ा सा क्रीमी सा मिंट डिप का फ्लेवर आता है। देन आपके पास हैरिसा होती है, बेसिकली हैरिसा क्या होती है, बहुत स्पाइसी सी एक डिप होती है, और हैरिसा को मेयो में यहाँ पे डाल के, वैसे तो हैरिसा स्पाइसी रहती है, बट यहाँ पे उसका स्पाइस कम करने के लिए मेयो में डाल के डिप कर देते हैं, तो वो एक मेयो बेस्ड डिप बन जाती है। हैरिसा चिली आप मेयो कह सकते हैं उसको एक तरीके से। देन होती है आपकी साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट क्या होती है, उसके अंदर गार्लिक होता है, उसके अंदर चिपोटले होता है, और उसके अंदर मस्टर्ड होता है, और मेयो होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स रहती है। तो क्योंकि मैं मुझे मस्टर्ड का जो हिट होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और तब वही रीज़न है कि मैं जो ईस्ट इंडिया का इतना ज़्यादा, यहाँ पे मस्टर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं वो क्विजीन बहुत इन्जॉय करता हूँ, तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड और हनी मस्टर्ड दोनों डलवाता हूँ अपनी जो ब्रेड है उसके अंदर। तो मैं ये साउथ वेस्ट इतनी ज़्यादा नहीं डलवाता, हनी मस्टर्ड और मस्टर्ड जो है तो अलग हो जाती है थोड़ी सी। हमारे पास तीन टाइप की सॉसेज होती हैं, एक होती हैं जो नॉर्मल रेगुलर सॉसेज होती हैं जैसे रेड चिली, और आपके पास बारबेक्यू सॉस होगी। देन मेयो बेस्ड सॉस होती हैं जो या तो मेयो में होंगी या मेयो के साथ किसी और कॉम्बिनेशन में होगी, तो और तीसरी होती है आपकी मस्टर्ड बेस्ड सॉस, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये तीन आपके पास सॉसेज रहती हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है। जैसे मेरा तो परफेक्ट रहता है कि मैं हैरिसा बहुत ज़्यादा डलवाता हूँ, थोड़ी सी मिंट मेयो डलवाता हूँ, मस्टर्ड थोड़ी सी ज़्यादा डलवाता हूँ, और जो हनी मस्टर्ड है वो थोड़ी सी कम डलवाता हूँ, तो उससे मेरे को एकदम क्रीमी सा, और थोड़ी सी बारबेक्यू भी डलवाता हूँ, तो उससे मेरे को क्रीमी सा और थोड़ा सा स्पाइसी सा फ्लेवर मिलता है, और थोड़ा सा जो मस्टर्ड का हिट होता है जितना चाहिए होता है मुझे उतना ही मिलता है। टेक का सॉस चिली एंड हरिसा थोड़ी और डाल देना, बीबीक्यू और हनी मस्टर्ड है, हनी मस्टर्ड डाल दो, मस्टर्ड है, मस्टर्ड भी डाल दो, और मिंट मेयो थोड़ी सी डालना, बहुत थोड़ी सी, बस बस सॉल्ट एंड पेपर डाल दो। हाँ, मेरे में टोमेटोज नहीं, बाकी सब डाल दो, और अनियंस कम रखना, बहुत कम है, बाकी ये सब अच्छे से भर देना, पिकल्स को एक्स्ट्रा रखते हैं, सबसे टेस्टी पिकल्स ही होते हैं, वही पिकल्स ही ज्यादा चक्कर ला रहे हैं, पिकल्स ज्यादा कर रहे हैं। हरिसा डाल दूं और बारबेक्यू कैसा चीज़ है वो? स्पाइसी हाँ, बारबेक्यू डाल दो, साउथ वेस्ट ट्राई कर सकते हैं, कौन सी है साउथ वेस्ट, चिली और गार्लिक का पेस्ट है, डाल दीजिए, हाँ जी सॉल्ट एंड पेपर, क्रीमी सेट। अच्छा, तो ये वाला है सब ऑफ द डे जिसके अंदर टमेटोज नहीं है, मतलब आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, और मैंने इसके अंदर हैरिसा और बारबेक्यू सॉस और मतलब बहुत सारे वेजीज डलवाए हैं, तो बेसिकली ये रहता है। और ये दूसरा वाला सब है जिसके अंदर थोड़े से और अलग से फ्लेवर्स हैं। अब जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि
जो आपके सॉसेस नॉर्मल है मतलब थोड़ी मेयो बेस्ड सॉसेस ज़्यादा है और साथ में बारबेक्यू सॉस है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्टर्ड है बिकॉज मेरे को अपने में मस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, और अपेरेंटली मेरे फ्रेंड्स को मस्टर्ड इतना पसंद नहीं है तो उन्होंने बिना मस्टर्ड के लिया है, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई लाइक माई सब लाइक दैट। बहुत ज़्यादा स्टफ कर दिया तो ये था सब का कंपैरिजन। और रही बात कंपैरिजन की कि जो रेगुलर कस्टमर है और जो फर्स्ट टाइम सब खा रहा है उसको क्या फ़र्क लगता है, तो भाई मेरी फ्रेंड थोड़ी सी कैमरा शाय थी तो वो कैमरा पे आके नहीं बता पाई, बट उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स का होता है। मुझे सबवे खाना बहुत पसंद है तो मैं सबवे जाके बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स तो भी मेरे साथ जाते हैं मोस्टली 90% ऑफ देम उनको सबवे खाना इतना ज़्यादा नहीं पसंद तो वो इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते, तो फिर हम लोगों को जाना पड़ा कुछ अच्छा खाने जो थी एक्चुअली जो थी हेजलनट कोल्ड कॉफ़ी जो हम दोनों को बहुत पसंद है, तो उससे फिर उसको थोड़ा सा ठीक लगा। तो बेसिकली आई हैड अ गुड संडे ब्रंच और मेरा आज का जो संडे ब्रंच था वो था सबवे और बिस्ट्रो 57 की कोल्ड कॉफ़ी। तो जैसे मैंने आपको आज दिखाया कि सबवे पे एक्चुअली खाते कैसे हैं, और सबवे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम लोग सबवे पे जाए कौन सी ब्रेड्स मंगवाए और क्या उसके अंदर सब्जियां डाले और उसके अंदर क्या पैटी ले और कौन सी सॉस डाले, सॉस का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और सबवे में ना जैसे आपको कस्टमाइज़ करने को मिलता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ भी है और वो बहुत बुरी चीज़ भी। अगर आपको नहीं पता आप क्या मंगवा रहे हो तो आप कचरा कर दोगे, अगर आपको पता है कि आप डलवा रहे हो और कितना डलवा रहे हो तो एवरी टाइम यू विल गेट द सेम एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आप बर्गर किंग पे जाके क्रिस्पी वेज बर्गर खा रहे हो सबके लिए सेम है, आपके लिए एक्सपीरियंस ऑल्टर होगा, तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी गुड। हूँ कोल्ड कॉफ़ी जो ख़त्म हो गई बैड, चलो मेरे फ्रेंड्स को सबवे नहीं पसंद तो वो कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म कर देते मेरी। तो गाइस बेसिकली ये थी सबवे की वीडियो और आई एम श्योर आपको हेल्प होगी इस वीडियो को देख के, और आप अगर आपने कभी सबवे पे खाया नहीं है तो आपको एक ज़्यादा आइडिया होगा कि सबवे पे कैसे मंगवाते हैं और कौन सी टॉपिंग्स मंगवाते हैं और कौन सी सॉस अच्छी लगती है आपके टेस्ट के हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और नीचे मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ऐसी डिफरेंट वीडियोज़ पसंद है या फिर नहीं, मतलब कैसा था ये एक्सपेरिमेंट। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए वेजिटेरियन वीडियोज़ लाते रहूँगा। मैं चलता हूँ अब किसी और वेजिटेरियन खाने की तलाश में, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी तन्मय फ्रॉम वेजीपाजी, signing off, you guys have a great day, bye now.